बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। ये पूरे देश के किसानों का हित का सवाल है, इसलिए मुझे उपसभापति जी मुझे 1.5 मिनट दी। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सामने एक बहुत जटिल समस्या बताना चाहता हूँ कि जो खेत में काम करने वाले किसान की, हर कोई व्यक्ति किसान की बात तो करता है, लेकिन उनके खेतों में, उनकी जिंदगी में और उनके परिवार में जाकर कोई नहीं जानता कि वो 15 लीटर दवाई भरी टंकी पर पीठ पर लाद कर छिड़काव करता है, 50 किलो खाद की बोरी उठाकर खेतों में घूम घूम कर फसल को खाद देता है और औषधि बिजली कटौती के चलते रात भर बिजली चालू होने का इंतज़ार भी करता है। चिलचिलाती धूप में सिर का पसीना पैर तक आ जाता है, फिर भी जीव जंतु या जहरीले जंतुओं के वो खेतों में नंगे पैर घूमता है। मोदी, मैं आज पूरे जब भारतवर्ष में मजदूरी, खाद, बीज, बिजली का दाम बढ़ गए, किसान की फसल की कीमत क्यों नहीं बढ़ी? एक किसान अपनी फसल की कीमत क्यों खुद क्यों नहीं लगा सकता? किसान का रहन सहन देख कर पता चल जाता है कि वह कमाता क्या है और बड़े अरमानों की बड़ी मेहनत से फसल तैयार करता है। जब वो फसल को बेचने के लिए मंडी जाता है तो वो खुश हो जाता है, लेकिन उसको कुछ नहीं मिलता। एक मिनट मोदी, और हमारे देश के एक माचिस की कीमत भी उस पर लिख कर आती है, लेकिन किसान उसकी फसल की प्राइस नहीं लिख सकता। तो मैं आपके माध्यम से सरकार की मांग करता हूँ कि किसानों को उसको MSP प्राइस मिले और पूरे देश के किसानों को उसके फसल का पूरी तरह से उसका कमीशन मिले। इसके आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।